आलोचना में भाषा का स्तर कहाँ तक गिर सकता है, ये शायद अब इसकी कल्पना करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि अभी हाल में दो ट्वीट उन्होंने किए। एक ट्वीट की चर्चा हो रही है जिसमें उन्होंने जुमला जयंती लिख के और वैशाख नंदन का जिक्र कर दिया, लेकिन उससे पहले भी एक ट्वीट उन्होंने किया था। उस ट्वीट में प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर है और लिखा हुआ है ड्रॉ। हालांकि दूसरे ट्वीट में उन्होंने कहीं भी किसी का नाम नहीं लिखा, लेकिन जिस तरह से उन्होंने एक कोशिश की, एक उपमा देने की कोशिश की, वो एक बार सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारा भरोसा डिगना चाहिए उन लोगों पर जिनके बारे में समाज में लंबे समय से धारणा थी कि वो समाज को रास्ता दिखाते हैं, वो बुद्धिजीवी कहे जाते हैं। और बुद्धिजीवी इसलिए कहे जाते हैं कि वो लिखते पढ़ते रहते हैं, उनको इससे बहुत मतलब नहीं होता। हालांकि सभी ऐसे पढ़ने लिखने वाले बुद्धिजीवियों के, जिसमें कहा जाए तो पत्रकार शामिल हैं, लेखक शामिल हैं, मैं बोल रहा हूं, मैं खुद उसमें शामिल हैं, कहीं ना कहीं वो दक्षिण सोचते हैं, वाम सोचते हैं, कभी कभी मध्य में रहते हैं, लेकिन कम से कम लेखक और बुद्धिजीवी इस दक्षिण से वाम के बीच में टहलता रहता है। कहीं उसकी आस्था इस कदर नहीं रुक जाती है कि वो दूसरे विचार के नेताओं के बारे में ऐसी अपमानजनक टिप्पणी करे और उस टिप्पणी को सही साबित करने की कोशिश करे। वही मृणाल पांडे ने किया, और ज्यादा दुख इसलिए होता है कि वो मशहूर लेखिका शिवानी की बेटी हैं और खुद उनका बड़ा लिखने पढ़ने में एक बहुत अच्छी पढ़ाई उन्होंने की है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उनकी पढ़ाई हुई, और माना जाता है कि वो एक शालीन महिला थी। अब थी मैं कह रहा हूं तो क्यों कह रहा हूं, क्योंकि उस एक ट्वीट के बाद मेरा नजरिया उनके प्रति पूरी तरह से बदल गया। इसका मतलब कि वो महिला सिर्फ और सिर्फ अपने पूरे जो एक कहें कि करियर को लेकर, जहां जहां उनको कुछ कुछ कहीं कहीं से मिला उसको लेकर इस कदर निष्ठावान है कि उन्होंने अपने उस लेखनी, अपने उस आस्था, अपने उस भरोसे जो पाठकों ने उनमें रखा था, उस सबको दरकिनार कर दिया। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उन्होंने कब कौन सी भाषा बोली थी, इस लिहाज से मृणाल पांडे की भाषा को कई लोग, कई लिबरल लोग उसको जस्टिफाई भी कर रहे हैं। हालांकि बड़ा तबका है जो लिखने पढ़ने वाले लोग हैं, जो लिबरल में भी हैं, उनको भी मृणाल पांडे की ये भाषा अच्छी नहीं लगी और लगनी भी नहीं चाहिए। और जो सबसे बड़ी बात है कि मैं कह रहा हूं कि अगर मैं कल को भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करने लगूं तो हो सकता है कि कांग्रेस के लोग वामपंथियों के खिलाफ, और मैं किसी भी भाषा का इस्तेमाल करूं, राजनीति की गिरावट इतनी होगी कि मुझे सत्ता हासिल करने के लिए हो सकता है कुछ ना कुछ करना पड़े। लेकिन अगर मैं अभी लेखक और पत्रकार के तौर पर हूं तो मैं आलोचना कर सकता हूं, किसी विचार की, किसी घटना की निंदा कर सकता हूं, उसकी तारीफ कर सकता हूं, किसी व्यक्ति की निंदा और तारीफ कर सकता हूं, लेकिन कम से कम भाषा के स्तर पर इस तरह का छिछलापन नहीं दिखाना चाहिए, और मैं कम से कम वो नहीं करूंगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जब दधीच की बात होती है, निखिल दधीच को प्रधानमंत्री क्यों फॉलो करते हैं, कतई फॉलो नहीं करना चाहिए था, और शायद कोई ऐसी पॉलिसी बने। हालांकि उसका जवाब बीजेपी ये कह के देती है कि उन्होंने जिसको एक बार फॉलो कर लिया उसको कभी अनफॉलो नहीं किया, ब्लॉक नहीं किया, ठीक है, ये भी एक अच्छा हो सकता है, लेकिन संवैधानिक पद पर बैठे लोग किसको फॉलो करें किसको नहीं फॉलो करें, इसकी कोई तो गाइडलाइंस होनी चाहिए। लेकिन फिर भी दधीच के ट्वीट से और अगर हम मृणाल पांडे के ट्वीट की तुलना तक पहुंच गए हैं तो हमें सोचना चाहिए कि हमारे समाज में बुद्धिजीवियों की स्थिति कितनी शर्मनाक हो गई है कि एक सूरत का कारोबारी जो वो खुद अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखता है, और एक महिला जिसका कई दशकों का लिखने पढ़ने, समाज को जागृत करने का एक एक उनकी प्रतिष्ठा रही है, एक स्थिति रही है जहां वो सैकड़ों पत्रकारों को एक आगे का रास्ता दिखा रही हूं, उस महिला की अगर दधीच और मृणाल पांडे एक स्तर पर आ गए तो हमें सोचना चाहिए कि आखिर कहां हम जा रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल है कि मनीष तिवारी दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर आलोचना होना चाहिए, बहस होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, वो राजनीतिक मसला है, वो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और दूसरी पार्टियां आपस में लड़ें, लेकिन मृणाल पांडे का इस तरह का ट्वीट, इसकी घोर निंदा की जानी चाहिए, और सिर्फ निंदा नहीं की जानी चाहिए, बड़े संपादकों के मुंह से, बड़े लेखकों के मुंह से, बड़े बुद्धिजीवियों के मुंह से ये बात निकलकर आनी चाहिए कि इन्होंने जो कहा है वो हद दर्जे की गिरावट का और एक खास निष्ठा को आगे ले जाने की कोशिश का सबूत है। अगर हम आज ये नहीं कहेंगे तो कल को किसी को भी, क्योंकि अब वो हिंदुस्तान अखबार कोई मृणाल पांडे के संपादकत्व वाले हिंदुस्तान का जमाना नहीं है, अब जमाना ये है कि कोई भी ट्विटर उठाएगा, फेसबुक उठाएगा और अपने मोबाइल से आपको जो कुछ कहना चाहेगा वो कह देगा। और जब आप कहते रहोगे एक संपादकीय में, अब तो आपको भी अपना कहें कि जो भी आपने लिखा उसको ट्विटर, फेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया पर ही साझा करना पड़ रहा है, और आज
आप जो भी लिखते हैं उसकी ट्विटर के ही जरिए पहचान हो रही है, क्योंकि आज आप कहीं है नहीं, कहीं आपको कोई जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि जगह मिलती थी तो आपने उस जगह को मठाधीशी के तौर पर इस्तेमाल किया। नए मीडिया ने ये, कम से कम अभी के हाल में एक स्वतंत्र पत्रकार के तौर पर मैं कह रहा हूं कि मठाधीशी मुक्त मीडिया बनाया है। लेकिन यहां भी मैं उम्मीद करूंगा कि जो ज्यादा पढ़ते लिखते लोग हैं, जो संवेदना वाले लोग हैं, वो कम से कम सामान्य लोगों के स्तर, वरना तो फिर सड़क पे जैसे गाली गलौज होती है, वो गालियां दीजिए और कहिए कि ये समाज में स्वीकार्य है, इसलिए हमको इसको, इसी को अमल में ला देना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि बड़े संपादक, बड़े लेखक, बड़े बुद्धिजीवी, जिन्होंने लंबे समय से इसको अपने सर पर सजा रखा है, इस ताज को, इस तमगे को, वो इसके खिलाफ खुलकर बोलेंगे, जिससे कम से कम पाठकों, पढ़ने वालों में जो एक, जो कहते हैं ना कि पढ़कर हम बड़ा बनेंगे, अच्छा सोचेंगे, ऐसे लोगों का भरोसा न टूटे, इसके लिए ये जरूरी है।